गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पांच शब्द रचना। इसमें आज हम समास पढ़ेंगे। इससे पहले समास में हमने आपको बताया कि द्वंद्व अब तक ये ट्रिक बताई कि इससे आप छह समास याद कर सकते हैं द्वंद्व अब तक सिर्फ इतना शब्द याद करने से, ठीक है। इसमें आज हम बहुव्रीही समास पढ़ेंगे। तो बहुव्रीही समास की पहचान के लिए आप देखिए, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीही समास होता है। समझ में आया? जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं तथा यही तीसरा पद प्रधान होता है, वो वहां पर बहुव्रीही समास होता है। जैसे देखिए चक्रधर, चक्रधर तो चक्र धारण करने वाला, इसमें ना चक्र है ना धर है प्रधान। जो तीसरा निकल के आया कि चक्र को धारण करने वाला कौन? कृष्ण जी, तो ये है प्रधान। नीलकंठ, नील नीला है कंठ, जिसका जिसका कंठ नीला होगा वो है प्रधान, जैसे शिव। दशमुख, तो दस मुख हैं जिसके, रावण। मतलब जो प्रधान होता है वो छिपा रहता है, ठीक है, लेकिन विग्रह करने पर ही पता चलेगा। वैसे आप नीलकंठ से ही आप जैसे जानते हैं कि हाँ ये शिव जी की बात चल रही है, ठीक है। ऐसे ही चतुर्भुज, चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी। किसकी हैं? विष्णु जी की। अब देखिए चतुर्भुज और जो दशमुख है, इसमें पहला पद में आप देखिए संख्यावाचक है, संख्या आई है। इससे आप ये मत समझ लेना कि ये संख्यावाचक है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ कोई पद प्रधान नहीं है और तीसरे की ओर संकेत करना है। समझ में आया ना? तो जहाँ पर तीसरे की ओर संकेत हो रहा हो, दोनों पद कोई पद प्रधान ना हो, वो है हमारा बहुव्रीही समास। धन्यवाद।